एक और जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इस्तेहादुल मुस्लिमी यानी कि AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उन्हें हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार के समय हुए बाबरी विध्वंस पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। ओवैसी ने कहा, मैं आपके नेता को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए, मुकाबला करें। कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिराई गई। राहुल वायनाड से सांसद हैं। ओवैसी ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके महिला आरक्षण को लेकर भी कई दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी के नेता संसद में मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। मैंने खड़े होकर कहा कि मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो मुझसे कहते रहते हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप महिलाओं, ओबीसी और मुसलमानों के खिलाफ हैं। इस दौरान ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदूड़ी के बयान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बिदूड़ी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद दानिश अली को लेकर अपशब्द कहे थे। राहुल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत की बात कही। उन्होंने कांग्रेस की संभावना के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा, मैं कहूंगा कि अभी तक हम संभवतः तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबले हैं और हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। और वैसे भाजपा भी अंदर खाने में यही कह रही है।